दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजस्थान में दलित युवक को पीट दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी हिंसा होती है, लेकिन वहां जाने की होड़ नहीं लगती। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? फिर एक बार बिबिला उठा अमित जयपन, पापा की सरकार की बेइज्जती हुई तो गुल्लू से रहा नहीं गया। देखिए किस तरह फिर एक बार अपोजिशन से सवाल करने पर करारा तमाचा मिल गया गुल्लू को। देखिए बहुत अजीबोगरीब सवाल है आपका। लखीमपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री का बेटा शामिल है, किसानों पे कार चला रहा है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह रहा है कि जब तक सबूत नहीं होगा गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में गिरफ्तारी होती है और वो भी सारे दिन उसकी खातिर मदारात होती। केंद्रीय मंत्री को अमित शाह कहते हैं जाके ऑफिस संभालो। तो सुना आपने किस तरह से जवाब मिला अमित जयवन को। दोस्तों पूरे विश्व में भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां मीडिया रूलिंग पार्टी के बदले ऑपोजिशन पार्टियों से सवाल करती है। ये गुल्लू रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने के बजाय बड़े बड़े भाषण देते रहता है। यहां देखिए, गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा। खैर ऑपोजिशन पार्टियों के प्रवक्ताओं से तो हमारा गुल्लू एक्सपोज होता रहता है। यहां देखिए किस तरह फिर गुल्लू का मुंह बंद हो गया। राजस्थान के अंदर गिरफ्तारी भी हुई है और किसी मंत्री के बेटे ने नहीं की मारपीट की है। और मेरा एक कहना और है और मैं लगातार कहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहे? वहां पे प्रधानमंत्री जाएं, योगी आदित्यनाथ जाएं और जाके बताएं क्या सच है क्या गलत है। और जहां बीजेपी की सरकार है वहां हम विपक्ष हैं, वहाँ पे हम जाके सवाल उठाएंगे, यही लोकतंत्र है। बस ये सुनकर तो गुल्लू को जैसे तमाचा मिल गया हो। और लखीमपुर के अंदर आपने बाद में जाने की इजाजत दी, पहले क्यों नहीं जाने की इजाजत दी? आपने कातिलों को गिरफ्तार करने की बजाय प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। आपने वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया, अखिलेश यादव को अरेस्ट कर दिया। आपने विपक्ष को नहीं जाने दिया, क्या छुपाना चाहते? इसी तरह से ये गुल्लू रिपोर्टर सरकार को बचाने में लगा रहता है। हम तो ऐसे रिपोर्टर को बस यही कहेंगे, सी लानत है तुम लोग पे, लानत सी। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।